गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिस्कस करते हैं, डिनोट करते हैं, और जेड इक्वल टू ए प्लस आई वी का फॉर्मेट होता है, जहाँ पर ए क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, और बी भी क्या है, रियल नंबर ही है, लेकिन इसके साथ क्या है, इमेजरी जुटा हुआ है। आई मतलब इमेजरी, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये हम डिस्कस करते हैं पहले कि एक तो रियल नंबर है लेकिन आई एक नया आया है, जिसके कारण जो है दोनों का सम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये आई है क्या, देखते हैं आई आया क्या, क्यों आई आया, क्यों उसका नीड क्यों पड़ा, और क्या आवश्यकता पड़ी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा। तो आई स्क्वायर का फॉर्म जो होता है माइनस वन बनता है, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बनता है, जिसके कारण क्या आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन हो जाता है। हम देखते थे कि आप पहले रूट नाइन का होता था क्या, थ्री होता था, कैसे आता था, तो इसको कैसे लिखते थे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखते थे, जिसके कारण ये रूट थ्री बनता था, यानी कि थ्री बनता था, ठीक है। और ये रूट थ्री की बनता था, तो फिर क्या है, थ्री इंटू थ्री, तो इसके क्या बनता था, एक थ्री बन जाता था। सिक्सटीन है तो क्या होगा, फोर इंटू फोर, तो क्या आया, उसी दफा उसी प्रकार सपोज देखिए क्या है यहाँ पे, अगर यहीं पे अगर आपको सपोज माइनस नाइन लगता तब ये टूटता नहीं, टूटता तब के लिए हमने क्या किया, माइनस नाइन के लिए नाइन को नाइन था एक, और इसको माइनस वन लिख दिए, तो कैसे लिख सकते थे, डिस्कस कर सकते हैं। और नाइन को माइनस वन के फॉर्मेट को क्या लिखे थे, आई स्क्वायर का रूप में चेंज कर दिए, आई स्क्वायर का फॉर्मेट चेंज कर दिए, तो क्या बन जाएगा, थ्री आई बन जाएगा। और यही निगेटिव टर्म्स को रूट के अंदर में तोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ी, जिसके कारण क्या बन गया, ये आई का फॉर्मेट बाहर, और इसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं, आई के फॉर्मेट पे इमेजरी बना गया, यही आई जो है इमेजरी होता है, इमेजरी नंबर, ठीक है। और ये आपका, अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस किस तरह से हम लोग जानते हैं। अगर जीरो बोलेगा तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो आई, यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो है, और इमेजरी के साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या जुड़ा हुआ है, जीरो। जेड को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अगर बोला जाएगा फाइव आई प्लस में या क्या देगा, माइनस फाइव आई माइनस में, तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या बनेगा, जीरो प्लस फाइव आई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो माइनस फाइव आई, मतलब रियल पार्ट इसमें नहीं दिया हुआ है दोनों में, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, रियल पार्ट जब नहीं है तो जीरो है। अगर उसी प्रकार अगर यहाँ पे सिर्फ प्लस फाइव दे माइनस फोर दे तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, प्लस फाइव प्लस जीरो आई लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजरी नहीं दिया था, जीरो ना डालेंगे, इमेजरी के साथ जीरो मल्टीप्लाई कर सकते जीरो, और माइनस के फोर के साथ ये भी क्या है, रियल नंबर है, इसके साथ भी क्या कर लेंगे, जीरो आई हम जो है डाल देंगे। तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस फाइव तो दिया ही हुआ था, यू नो डेट, और इमेजरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, जीरो है, और इसके साथ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, माइनस फोर, और इमेजरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, जीरो। यही आइडेंटिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका, कि किसी भी फॉर्मेट में रहे, अगर रियल दिया है तो इमेजरी को जीरो बना लेंगे, अगर इमेजरी दिया हुआ है तो रियल, अगर नहीं दिया है तो जीरो बना लेंगे, अगर दोनों दिया है तो आपका जो है ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में रहता ही रहता है। अगर अगर रियल में एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर फाइव प्लस फोर आई क्या है, यही है, और बी क्या है, ये है फोर, थ्री क्या है, ए इक्वल टू फाइव और बी इक्वल टू फोर, ठीक है। अगर माइनस थ्री प्लस फोर आई दिया हुआ है तो ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस थ्री और बी इक्वल टू फोर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, जिसको आप अच्छे से डिस्कस कीजिए और ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी है और आपको समझ में आएगी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बता दिए। और अब आया है कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो माइनस वन होता है, बताया था मैंने। अगर सपोज आई का पावर फोर है तो क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस वन पता है स्क्वायरिंग करेंगे दोनों से, तो माइनस वन का स्क्वायर कैसे हुआ, इसको आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आई का पावर फोर बनता है, तो आई स्क्वायर का मतलब कितना है, माइनस वन का स्क्वायर डाल दिए क्या आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन आएगा, ठीक है।
उसी प्रकार अगर आई का पावर क्या है 1000 दिया हुआ है सपोज, तो क्या कर लेंगे, आई का पावर 4 का पावर कितना रहेंगे 250, और आई का पावर 4 अभी जस्ट निकाला मैंने, 1 का पावर 250 कितना होगा 1 ही होगा। सपोज अगर आई का पावर उधर दे देगा -1004 दे दिया, तब क्या करेंगे, आई का पावर 4 कर लेंगे और माइनस में क्या कर लेंगे, चलिए आई का पावर माइनस में है ना, तो 1 बट्टा आई का पावर क्या कर लेंगे 1004 कर लेंगे, क्योंकि बट्टा में इधर पावर रहने नेगेटिव रहने बट्टा मिल जाते हैं, काम वही होगा 1 बट्टा क्या होगा आई का पावर 4 का पावर कितना हो जाएगा 251 हो जाएगा, और आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, और 1 का पावर कितना भी क्या होगा 1, तो क्या आएगा मेरा आंसर 1 ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे आई का पावर 4 का आई का पावर तो क्या है 200 2005 दे दिया, तब क्या करेंगे डिस्कशन कीजिए, आई का पावर 4 4 से डिवाइड करेंगे कितना है 5001, आई इसको क्या होगा आई एक बाहर निकल जाए क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे 2004 ही आता है। ठीक है, अब 2004 आएगा 501 है ना, चलिए क्या आएगा 2004 आएगा। ठीक है, अब 2004 आया और 1 बज के आई तो बाहर निकाल दिया, इसका वैल्यू तो 1 होता है पता है, क्योंकि आई का पावर 4 क्या होता है 1 होता है, यू नो दैट। अब क्या होता है कि जब हम जानते हैं कि आई का पावर 4 जो है 1 होता है, 1 के पावर कितना भी पावर रहे तो क्या आएगा 1 ही रहता है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया 1 डिस्कस कर दिया मैंने। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आई का फॉर्मेट जैसा भी रहेगा, आप डिसिप्लिन ऑर्डर में रूट पे रहे स्क्वायर में रहे कैसा भी रहेगा, आई को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा ही फॉर्मेट में रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचान सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में रियल पार्ट कौन है, उसका इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, रियल पार्ट कौन सा है। ठीक है।